नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हम स्वाध्याय एजुकेशन की तरफ से, जैसा कि पहले ही आपको बता चुके हैं, विभिन्न कोर्सेज ला रहे हैं। UPPCS, UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, NDA जैसी परीक्षाओं की तैयारी स्वाध्याय एजुकेशन आपको एकदम निःशुल्क करवाने जा रहा है। शायद ही ऐसा पहले कभी यूट्यूब के इतिहास में हुआ हो कि बढ़िया तरह से किसी विषय को ख़त्म कराया जाए, ताकि किसी भी क्वेश्चन आंसर में, या वो UPPCS का हो या UPSC का हो, SSC बैंक जैसे किसी भी एग्ज़ाम का हो, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से इतर नहीं आएगा। लेकिन इसकी पहली शर्त, आपको क्लास को डेडिकेट होके करना पड़ेगा। पीपीटी आपको मिल जाएगी, लेकिन हैंड रिटन नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम सौम्य है और मैं आपको पहली क्लास, यानी जो हम स्वाध्याय एजुकेशन पे पहली क्लास डालने वाले हैं, वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की डालने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कई सारी परीक्षाओं में, UPSC हो या UPPCS हो, हम इन्वायरमेंट के सवालों में कहीं ना कहीं कटने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसको जियोग्राफी पढ़ने के बाद, या जियोग्राफी जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मांझी द माउंटेन मैन की कहावत आपने सुनी होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह से जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कैसे एग्जाम को क्लियर करेंगे। लड़ना मैं आपको बताऊंगा, हथियार मैं आपको दूंगा, चलाना मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको परीक्षा में बैठकर क्वेश्चन को देखकर टिक मारना है। लेकिन उससे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, हम किस तरह से परीक्षा को लेकर चलेंगे, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग किस तरह से परीक्षा को लेकर चलेंगे। तो परीक्षा को हमको क्या मतलब, हम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। UPSC हुआ या किसी भी एग्ज़ाम के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हमको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने के बाद हमको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट या विद्यार्थी कई बार कई समस्याओं को चलते देखते हैं, यार प्रश्न बहुत कठिन आ रहे हैं। कई बार UPSC अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, कई बार UPSC फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हम आपको पूरा एनालिसिस करके एक एक जड़ तक डिकोड सिलेबस को डिकोड, सिलेबस किसी भी परीक्षा का एक वह दायरा है जिस दायरे में रहकर हम अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं। लेकिन सिलेबस कई बार डिफाइन नहीं, एक छोटी सी जगह पे लिख दिया जाता है GS3 इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ये डिफाइन करना जरा मुश्किल रहता है। लेकिन हम आपको ये सारा डिकोड करके सिलेबस देंगे, किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, बेसिक के साथ में हम लोग करंट अफेयर को रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे। टाइगर रिजर्व हुआ, वेटलैंड हुआ, नेशनल पार्क हुआ, इसकी सबकी आपको इतनी बेहतरीन, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप सिर्फ इस क्लास को करने के बाद किसी भी नेशनल पार्क की लोकेशन, वेटलैंड और कंजर्वेशन के जो जो स्थान है, वो आपके दिमाग में इस तरह से इमेजिन हो के मैं फ़ोटो के साथ आपके दिमाग में इस तरह से इमेजिनेशन में डाल दूंगा कि आपको कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मेरा ये दावा है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको छूटने नहीं दूंगा। और याद, समस्या रहती है यार 5-6 महीने इन्वायरमेंट थोड़ी ना पढ़ लेंगे हम लोग, याद क्लास में ही करवाऊंगा और क्लास में ही याद करना है। तो इस तरह के यार हमें माइंडसेट ये तो हटाना पड़ेगा कि यार बाद में याद कर लेंगे, याद क्लास में ही करना है, मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, 10 बार याद कराऊंगा, याद क्लास में ही करना है, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल। कुछ भी करो, खत्म करो जीवन में बार बार याद। जैसे कोई परीक्षा आती है, आप इन्वायरमेंट लेकर बैठ जाते हैं, वो हम लोगों को नहीं करना है। क्योंकि मैं इतना डिस्क्रिप्टिव, इसमें पहली क्लास है, इस वजह से मैं इतना डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट अगली जो क्लास होगी उसमें डायरेक्ट मैं क्लास शुरू करूँगा। और आपके डाउट जो हों आप अपनी कमेंट में डाल दीजिए। तो इन्वायरमेंट को मैं किस तरह से लेकर चलूँगा, इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, तो मैं आपको पहले तो क्लियर करता हूँ कि हम इसको 4 पिलर में लेकर चलेंगे। 4 पिलर में किस तरह से लेकर चलेंगे, जैसे क्या रहता है कि आप इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं तो कई सारी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे इकोटोन हुआ, और आपका ये सक्सेशन क्या हुआ, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हम ऐसे ही पढ़ने लगते हैं, हम लोगों को टर्म नहीं पता होता है। हर्बीवायर्स क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, निच क्या होता है, लेक, बायोडाइवर्सिटी, बायोम,
सब आपके टर्म्स को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपका आता है, वो क्या है? वो सवाल ये है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम को इतना हवा मत बनाओ और हिंदी मीडियम को इतना आसान मत बनाओ। परीक्षा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, अंडरस्टैंड करिए, चीज़ों को समझिए, जोर लगाइए, मेहनत कीजिए। मैं आपको हिंदी की चीज़ें हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, इंग्लिश की चीज़ें इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं जिस तरह पढ़ाऊँ उस तरह से पढ़ने पर जोर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप नेशनल पार्क इमेजिन करके वहाँ की जितनी लोकेशन है, जो जो वहाँ पर चीज़ें हैं, वो सब आप किसी भी विद्यार्थी को बता देंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस क्लास को करने के बाद इतर नहीं रहेंगे, यानी अलग ही रहेंगे। किसी भी विद्यार्थी से अगर आप इन्वॉर्मेंट के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उससे बेहतर अवस्था में होंगे, इस बात की मैं आप गारंटी लेता हूँ। और कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको चार पिलर में बांट के लेके चलूँगा। चार पिलर क्या होंगे? पहले में जो रहेगा, पहला जो पिलर रहेगा उसमें रहेगा कि किस तरह से हम लोग टर्मिनोलॉजी, जैसे इकोटोन क्या होता है, इकोटोन क्या हुआ, सक्सेशन क्या हुआ, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कि और की स्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं। जैसे क्या रहता है कि कुछ प्रजातियाँ हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, यानी जो अगर इस संसार में ना हो तो शायद मानव जीवन भी पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। हर्बीवायरस क्या होता है, तो इस तरह से हम चीज़ें टर्मिनोलॉजी पहले जो पार्ट में देखेंगे, यानी जो हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या होगा? इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना चाहिए? इन्वायरमेंट हम क्यों पढ़ेंगे भाई? अपने आस पास आप पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं, जो हवा पोल्यूट होती है, जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? मानव जीवन प्रभावित हो रहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, वरना हमको इतना मतलब नहीं रहता इन्वायरमेंट। मानव जीवन बहुत बुरी अवस्था में प्रभावित होगा, मानव जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर हम नाइट्रेट का पोल्यूशन नहीं रोक पाएंगे तो नाइट्रेट पानी के जरिए फूड साइकिल में चला जाएगा और फूड साइकिल से मनुष्य के अंदर चला जाएगा, इससे लाखों बीमारियां आती हैं और मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाता है। और इसके कई संरक्षण करने के कई सारे संरक्षण करने के और भी रीजन है। फूड चेन का पार्ट होता है, यानी हर्बी वायरस होता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट लेवल पे बात करूँ तो जैसे हिरण है उसको चीता खाता है या फिर शेर उसको खाता है, तो अगर शेर नहीं रहेगा, यानी कीस्टोन प्रजाति यानी शेर ही नहीं रहेगा, तो हिरण की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। और जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या होता है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, कंपटीशन हाई हो गया, हाई कंपटीशन हो जाएगा, और हाई कंपटीशन होने के बाद बहुत ही मुश्किल रहता है सर्वाइव करना, यानी प्रजाति खत्म होने का डर रहता है। तो इस तरह से ही हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, पूरी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे कि पेड़ काटने से क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, पेड़ काटने से जो है उस पर डिपेंडेंट जो लोग होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी जनरेशन को पता ही नहीं होगा आगे चल के, यार अगर इतने पेड़ काटोगे पता ही नहीं चलेगा कि कौवा क्या कैसा होता है, काला होता है, नीला होता है, सफ़ेद, सब खत्म हो जाएगा भाई। हम भी खत्म हो जाएंगे और आप भी खत्म हो जाएंगे। इन्वायरमेंट हमारे जीवन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तो इस तरह से हम जो सेकंड पार्ट में जो डिवाइड करेंगे कि अब जैसे मैं हम लोगों ने देख लिया कि इसकी प्रजातियों की क्या आवश्यकता क्या थी, अब हम इसको कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सरकार दुनिया किस तरह से ध्यान देती है, आयुषियन एक संस्था है, तो आयुषियन किस तरह से ध्यान देती है, आयुषियन क्या करती है, जो हमारी स्पेसीज हैं जो खतरे में, हमको पता कैसे चलेगा? आयुषियन कई सारी लिस्ट में, जैसे रेड डेटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर इस तरह की एक लिस्ट निकालती है, उसमें पता चलता है कि कौन सी स्पेसीज ज़्यादा खतरे में है, वो पेड़ हो या पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, उससे सरकारें या किसी देश का उस पर ध्यान जाता है और आयुषियन उसमें मदद करती है। तो आयुषियन एक संस्था है, इसके बारे में भी जानेंगे, इंडिया ने कब ज्वाइन किया उसके बारे में भी जानेंगे। तो जो सेकंड पिलर होगा वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, उसके आगे यूनेस्को क्या क्या रोल है, यूनेस्को का रोल भी पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे हम लोग आजकल देखते हैं लेक देखते हैं, यार जो ताल देखते हैं, तलैया देखते हैं गांव में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लेक बनाई जाती है, क्यों सरकार अमृत सरोवर पे ध्यान दे रही है, क्यों रामपुर में पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो लेक की वेटलैंड कंजर्वेशन क्यों किया जाता है, क्यों रामसर साइट जो बनाई जाती है, क्यों रामसर कन्वेंशन हुआ था, लेक की हमारे जीवन में क्या बायोडाइवर्सिटी, क्या इम्पोर्टेंस है, लेक के बारे में भी जानेंगे। जो थर्ड पिलर होगा
उसके बाद इसके साथ में इसका व्यवहार भी, जीव जंतुओं को कैसे हमको पता चल जाएगा कि जीव जंतुओं को हम लोग संरक्षण करना है, जीव जंतुओं का व्यवहार भी जानेंगे, स्टडी करेंगे, ये आयुष्यन पूरा स्टडी करके देता है ताकि हमको पता हो कि इसको कंजर्व कर कैसे करना है, इसका घर कहाँ है, इसका ठिकाना कहाँ है। तो वैसे भी आजकल कंजर्व करने के लिए नामीबिया के चीता बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में है। तो हम तीसरा पिलर पे आते हैं। अगर तीसरे पिलर की बात करें तो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पिलर और शायद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पिलर से पूछे जाते हैं, पोल्यूशन, 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 दिल्ली में पोल्यूशन, दिल्ली नंबर वन, गाजियाबाद नंबर वन, ये तो खबरें में अक्टूबर से ही आने लगता है। पराली जल रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है, पैन से पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, वर्ल्ड बैंक ने एक लिमिट डिफाइन कर दी, इससे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए आपके शादी में डीजे का समय फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि नॉइज़ भी एक पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन, पटाखे जलाने से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, 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 पोल्यूशन मानव जीवन पर डायरेक्ट एयर के जरिए, पानी के जरिए, फूड साइकिल में जाकर इफेक्ट डालता है। साथ ही में हमको पता नहीं होता कि आयरन प्लांट लगा है, इससे पड़ोस में आयरन प्लांट लगा है, इससे कौन कौन सा पोल्यूशन हो रहा है, क्यों आयरन प्लांट, क्यों स्टील प्लांट आपके घर के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्यों सरकारें बैन करती हैं, क्यों सरकार कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा केरला के सुप्रीम कोर्ट के बयान में कि जो बिल्डिंग बनी थी कोस्टल के किनारे उसको गिराने का आदेश दिया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी गई, ध्वस्त कर दी गई, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कितने मीटर तक आप बिल्डिंग बना सकते हैं, कहाँ पे नहीं बना सकते। उसके बाद में जो चौथा पिलर होगा इसको हम लोग मिसलिनियस नाम देते हैं। मिसलिनियस नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग बायोफर्टिलाइजर, यानी ये सारा कुछ रिलेटेबल होता है, बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे। उसके साथ में जो एक्ट होते हैं, जैसे हम लोग संरक्षण करने के लिए कई सारे कानून बनाते हैं, लेकिन मैं इस बात की क्या गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको ये सब रटवा दूंगा, सब याद करा दूंगा एक अच्छे तरह से सीक्वेंस वे में, जितने भी कन्वेंशन हो, कोई भी संस्था हो, एनजीटी हुआ, कितने भी एनजीओ जो इस काम में लगे हुए हैं, जो क्लाइमेट चेंज का कंजर्वेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को भी पोल्यूशन के साथ में हम लोग थर्ड पिलर में ही कवर करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज भी होता है, और क्लाइमेट चेंज ये सब कुछ रिलेटेबल है। तो क्लाइमेट चेंज हुआ और पोल्यूशन हुआ, ये सब थर्ड पिलर में। फोर्थ पिलर में मिसलिनियस जितने एक्ट हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन का कौन सा एक्ट है, इसकी कितनी सीमा, ये सब इसमें पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, किस तरह से कुछ भी अगर आपको वहाँ पे बनाना है, पेड़ पौधे काट कर या किसी जगह पे कुछ बनाना है, तो आपको कौन कौन सी परमिशन चाहिए होगी, कितने साल का और कितने दिन लगेंगे उसमें, ये सब कुछ एनजीओ इंस्टीट्यूट, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग चार पिलर में पढ़ेंगे, पहले पिलर चार पिलर में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, चार पिलर में पढ़ेंगे। पहले पिलर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बायोम, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बेसिक चीज़ें लेकर चलेंगे। उसके बाद में दूसरे पिलर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे पिलर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मनुष्य पर इसका लंबा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट, जो चीज़ आप देखते हैं, आप जो चीज़ महसूस करते हैं, जो भी अपने आसपास मिट्टी, ज़मीन, पेड़ पौधे, इन सब को इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण से, पर्यावरण का ही हिस्सा माना जाता है। पर्यावरण आपके आसपास होता है और मानव जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। 1972 के आसपास से ही पर्यावरण की बातचीत तेज होनी शुरू हो गई थी, किस तरह से पर्यावरण की बातें शुरू हुई और कब भारत में ये बातें आई, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये किस तरह से आगे बढ़ा। तो हम लोग ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। आपको पहले वीडियो में आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग IUCN संस्था से लगा कि IUCN किस किस कैटेगरी पे जांच करती है और किस किस कैटेगरी को एक्सटेंट या क्रिटिकली इंडेंजर्ड नाम देती है, यानी जो स्पीसीज हैं या नहीं है उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, इन सब की बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो पहला चार पिलर में बांटा, हम लोगों ने पहला पिलर में जो देखा, हम लोगों ने पहले पिलर में टर्मिनोलॉजी देखी, टर्मिनोलॉजी के साथ में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है, लेक क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोम क्या होता है। सेकंड पिलर में हम लोगों ने बांटा कि क्यों कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है,
क्यों कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, कहाँ पे ज़्यादा कंजर्व करना है नेशनल पार्क, कहाँ पे कम कंजर्वेशन करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ये सब कुछ जाना, और सरकार क्या कर रही है, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड पिलर में पढ़ेंगे पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फोर्थ पिलर में मिसलिनियस, और ये सब कुछ रिलेटेबल होगा। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी, और आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। इसके बावजूद आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, आपकी क्लास को संपूर्ण कराने की जिम्मेदारी स्वाध्याय एजुकेशन की है। स्वाध्याय एजुकेशन आपकी संपूर्ण तैयारी कराएगा आगे आने वाले सभी विषय, भूगोल, इतिहास और राजनीति, राजनीति और इससे इंग्लिश, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगा बाइलिंगुअल माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि UPPCS एग्ज़ाम भी आ रहा है, UPSC एग्ज़ाम भी आ रहा है, लेकिन आपकी तैयारी को हम लोग चार चांद लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार पिलर में हम लोगों ने सिलेबस को बांट लिया, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हम लोगों ने सिलेबस को बांट लिया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेकंड पिलर क्यों पढ़ेंगे, हम लोगों के पास एक डेटा हो जाएगा, नेशनल पार्क का डेटा, सारे नेशनल पार्क एक एक राज्य में, एक एक लोकेशन में कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, कहाँ पे उसके क्यों है, वहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन सा फ्लोरा या फौना पाया जाता है, वहाँ पे कौन सी जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर है, वल्नरेबल है, यानी कौन सी संरक्षण में है, किसको ज़्यादा संरक्षण करने की आवश्यकता है या कम संरक्षण करने की आवश्यकता है, ये सब हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पिलर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पिलर, यानी हम लोग जानेंगे टर्मिनोलॉजी, इकोटोन या फिर ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनके बाद हम लोग थर्ड, उसके बाद फोर्थ पिलर, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, टू उसके बाद पहला, उसके बाद में थर्ड पिलर, फिर फोर्थ पिलर। हम लोग के पास नेशनल पार्क सारे हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी याद हो जाएंगी, टाइगर रिजर्व सारे याद हो जाएंगे, फिर हमको रखने में आसानी होगी कि वहाँ पे क्या क्या समस्याएं होंगी, क्यों कंजर्व करने की आवश्यकता है, क्यों सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्यों वहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाने की आवश्यकता है या टाइगर रिजर्व नहीं है, भाई SDM या DM बनने जा रहा है, कोई छोटी बात थोड़ी ना, ये थोड़ी ना कहने लगोगे कि मैंने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, मुझे कम क्वेश्चन लग रहे थे इसलिए मैं इन्वायरमेंट को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता, आपको संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा। कंजर्वेशन के जो चार पहलू होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे किस तरह से UPSC या UPPCS क्वेश्चन पूछती है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो IUCN बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ और नेचर की जो रेड लिस्ट होती है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग थोड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ उस कड़ी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम नंबर वन पर आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको क्या पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक रोड मैप होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक रोड मैप होता है, उससे हम लोग को पता चलता है, जिस तरह से किसी रास्ते में आपको जाने के लिए मैप की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी परीक्षा को पास करने के लिए एक मैप की आवश्यकता होती है, और वो हम लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सिलेबस कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखने से आपको एक क्या कहते हैं कि बड़ा बड़ा खाका देख मिलने से, बड़े बड़े आपको रास्ते के पॉइंट याद हो जाएं, तो आपको पता चल जाता है कि रास्ते की किस पॉइंट पे मुड़ना है, कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है, किस रास्ते पे कितना चलना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, कुछ को डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जैसे 2011 में क्वेश्चन जो पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सेतु मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, यानी फ्लोरा फौना होता है, फौना यानी जीव जंतु, फ्लोरा यानी पेड़ पौधे। तो फ्लोरा उन पेड़ पौधों को कंजर्वेशन करने की बात की जा रही है जो एक समय पे उपस्थित थे और एक समय पे अब उपस्थित नहीं है या फिर गायब हो रहे हैं, तो उनका क्या कारण है, तो कंजर्व किया जाता है। तो कहा गया कि इन सेतु नॉट अ साइट फॉर इन सेतु मेथड। पहले तो जान लीजिए इन सेतु मेथड क्या होता है, इन सेतु मेथड होता है कि
किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को उनके नेचुरल हैबिटेट यानी उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करने की जगह को इनसेतु मेथड कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि नॉट अ इनसेतु मेथड, नॉट अ इनसेतु मेथड, तो मतलब जो कि इनसेतु मेथड नहीं है, नॉट अ इनसेतु मेथड, नॉट को जरूर देखा करिए। तो बोटेनिकल बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी जगह का, जंगल का एक बड़ा हिस्सा होता है, वहीं पे कंजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क भी उसी तरह से, नेशनल पार्क भी जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे और कई तरह से कई प्रजातियाँ संरक्षित की जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक स्पेसीज सेंट्रिक होती है यानी किसी भी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कहते हैं कि संरक्षित करते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट में ही करते हैं। लेकिन बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन नेचुरल हैबिटेट नहीं है। अगला जो रहेगा कि बोटैनिकल गार्डन नेचुरल हैबिटेट नहीं है, क्यों? क्योंकि बोटैनिकल गार्डन आप जो है इनको, जो प्लांट्स को होता है, इनको यहाँ से ले जाकर रिसर्च पर्पज के लिए कि आखिर क्यों गायब हो रहा है, तो इस तरह से रिसर्च करने के लिए करते हैं। हालांकि ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर लेटीट्यूड। देखिए अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन करने के आराम से लायक हो जाएंगे और ढंग से करेंगे, इतना अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए क्वेश्चन हम लोग सब करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड, नीचे मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होती है यानी 0 डिग्री के पास, भूमध्य रेखा के पास में सघन वन होते हैं और बारिश भी साल भर होती है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे खासे इनका विकास हो जाता है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जीव जंतु काफ़ी रिच होते हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी और ऊपर जितना हाई डाइवर्सिटी यानी शंकुधारी टैगा वृक्षों पे पहुँचते हैं, जितना आप ऊपर चलते चले जाएंगे आपको बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी और एक तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु मिलने लगेंगे। तो इस तरह से इसमें लिखा है अलॉन्ग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर, सेम माउंटेन का भी, जैसे अगर आप ये नहीं कह सकते कि आप ऊपर अक्षांश पे ही जाने पर, नहीं, आप किसी भी स्थान पे अगर ऊंचाई को पा रहे हैं तब भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सैंडी एंड सलाइन एरिया है, एक एरिया का दिया जाता है। देखिए अब आपको जब सब पढ़ लेंगे तो एक अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। पूछा गया आपसे एक सैंडी एंड सलाइन एरिया, आप तुरंत आ जाएंगे कहाँ पे है सैंडी एंड सलाइन एरिया, जरूर कोस्टल तट पे ही होगा। और इसमें लिखा है कि हाँ विच वन, मतलब ऐसा कौन सा होगा जो इस जगह पे पाया जाएगा, इंडियन एनिमल स्पीसीज है, तो इंडियन वाइल्ड एस जो कि गुजरात के कच्छ में पाया जाता है और उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन, विच ऑफ द अबोव आर टाइगर रिजर्व, जिसे हम लोग सारे टाइगर रिजर्व याद करेंगे, रट लेंगे, एक एक लोकेशन जब आप आंख बंद करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि बांदीपुर कर्नाटका के इस लोकेशन के इस जगह पे है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जी हाँ बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, लेकिन भीतरकनिका नेशनल पार्क है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है। इस तरह से देखिए कि कौन सी ऐसी जगह है, मतलब कौन सी कैटेगरी है जहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो इंडिया में लोकल पीपल नहीं, मतलब लोकल पीपल नहीं अलाउड है, तो नेशनल पार्क बहुत ही कंजर्वेशन एरिया है जहाँ पे लोकल पीपल नहीं अलाउड है। याद रखिए आप जो नेशनल पार्क में घुसते हैं, आप लोगों का रहन सहन ठिकाना देखते हैं, वो नेशनल पार्क का कोर एरिया नहीं होता है, नेशनल पार्क का बफर जोन होता है जो कि नेशनल पार्क से थोड़ा बाहर का यानी आसपास का क्षेत्र जो होता है वहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि इस करंट सिक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी यानी किसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है मैंग्रोव में, फिर ग्रासलैंड, पहले ओशियन लेक्स और मैंग्रोव जो होता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। यहाँ पे जो पानी होता है और जो ज़मीन होती है इसका मेल मिलाप होता है और मैंग्रोव में कई सारे मतलब जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं वो भी आती हैं, वो भी बसती हैं, तो मैंग्रोव है वो हाई बायोडाइवर्सिटी भी दिखाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा जो मतलब है आपको सिर्फ इतना दिखाने का कि कौन सा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप जो है देख लें। जैसे ये क्या पूछा गया कि नेशनल पार्क इज यूनिक इज बिंग ऑफ फ्लोटिंग वेजिटेशन, फ्लोटिंग वेजिटेशन इसका कीवर्ड है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है, वहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन जिसको फुमदी भी बोलते हैं ये पाई जाती है। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन देख लीजिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया जैसे गंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक यानी एनिमल है भारत का, जो कि पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णफुली जैसी रिवर्स में पाई जाती है।
सब कुछ देख लीजिए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, रिपोर्ट्स भी देख लीजिए, रिपोर्ट भी आती हैं। रिपोर्ट क्या आती हैं भाई, जो करंट अफेयर्स पूछते हैं करंट अफेयर कैसे आ गया, तो जब करंट अफेयर जब इन्वॉल्वमेंट चर्चा में होगा तो सबसे पहले कुछ रिपोर्ट चर्चा में आती हैं जिनका पहले से ही जिन्होंने कुछ इस पर दिया है, रिपोर्ट दी है और संरक्षण करने के, जैसे गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी, बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल में रिपोर्ट। हम लोग इसके जो इसने रिकमेंड किया है वो सब कुछ पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट जो ये रिपोर्ट बनाई गई थी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट को लेकर रिपोर्ट बनाई गई थी, तो हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग पिलर में बांट के चीज़ों को पढ़ेंगे, पिलर में किस तरह से हम लोग चीज़ें बांट लेंगे, उसके बाद में पिलर में बांट लेंगे, एक दो तीन चार पिलर में बांट लेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, एक हम लोगों ने सिलेबस को किस तरह से लेकर चलना है वो हम लोगों ने चार पार्ट में बांट लिया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया, अब हम लोग आयुषीयन जैसे संस्था से शुरुआत करेंगे, किस तरह से संस्थाएँ क्या क्या करती हैं, कौन कौन से किस तरह से उन्होंने बांट रखा है प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कौन कौन सा ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, कौन सा कम प्रोटेक्ट करना है, कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, कि उसको बहुत कम प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें बट रखी हैं, हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। कल अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, आयुषीयन से ही शुरू करेंगे। आयुषीयन कब आया, आयुषीयन को इंडिया ने कब ज्वाइन किया, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या कार्य है इसका, कितने पार्ट में इसने अपने प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइन करके रखा है, कंजर्वेशन क्या है, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो जीव जंतु ज़्यादा खतरे में है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना चार पार्ट हम लोगों ने जाना, पहले में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी जानी, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होंगी, किस तरह से पढ़ेंगे, और सेकंड पिलर में हम लोगों ने जाना कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क यानी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, थर्ड में पोल्यूशन, और चौथे में हम लोगों ने मिसलिनियस के जो कलेक्टिवल जो उसमें कनेक्ट होने वाले टॉपिक हैं वो जाना। हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, कुछ स्ट्रेटजी पे डिफाइन किया। इसी के साथ में हम लोग इस कक्षा को विराम दे रहे हैं, इस क्लास को आराम दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, और हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, अच्छे से ख़त्म करेंगे। इस बात की मैं एक बार और गारंटी लेता हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद में आप उस अवस्था में नहीं रहेंगे, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। नेशनल पार्क जब कोई नाम लेगा आपके दिमाग में वो तैरते हुए, चलते हुए, लोकेशन के साथ में तैरते हुए नज़र आ जाएंगे। आपको किसी भी फैक्चुअल चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग काम करेंगे सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसी के साथ स्वाध्याय एजुकेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास इसी तरह से आगे हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।